नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर कानपुर से, बृहस्पति महिला महाविद्यालय के बाहर बीएड के छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। कानपुर के किदवई नगर स्थित बृहस्पति महिला महाविद्यालय के बाहर सैकड़ों छात्र एवं छात्राओं ने हंगामा करते हुए कॉलेज प्रबंधन पर लगाया अवैध तरीके से वसूली करने का आरोप। एग्जामिनेशन फीस में 1500 की जगह 3000 अतिरिक्त शुल्क वसूली का लगाया आरोप। बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क न देने पर बीएड छात्र एवं छात्राओं को नहीं दिए गए प्रवेश पत्र। शुक्रवार को होने वाली बीएड के द्वितीय सेमेस्टर एग्जाम से पहले ही बृहस्पति महिला महाविद्यालय ने शुरू किया वसूली कार्य। सैकड़ों छात्र एवं छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू कॉलेज व प्रबंधन। कानपुर जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इस प्रकरण की अच्छे से जांच करके जो भी दोषी हो उनको उचित सजा का प्रावधान किया जा सके, ताकि कोई भी विद्यालय प्रबंधन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। कानपुर से संवाददाता आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, एक्चुअली क्या है, हमने जब हमें एडमिशन लिया था तब हमने 51,250 फीस दी थी। देन उन्होंने बोला इसके बाद ज़्यादा अमाउंट नहीं देना होगा, प्रॉपर अमाउंट है। फर्स्टली एग्जामिनेशन फीस उन्होंने 2500 ली। हम लोगों ने कहा चलो ओके, हम दे देते हैं। जब हम सेकेंड सेमेस्टर में आए तो 3000 एग्जामिनेशन फीस प्लस 2000 कोई एक कोर्स है जिसकी फीस ले रहे हैं, जो हमें प्री प्रॉपर नहीं पता था। तो और इसके बाद जो प्रोस्पेक्टस था उसमें नहीं लिखा था। तो हम चाहते हैं कि ये जो फीस है या यूनिवर्सिटी जो भी है, ये एक प्रॉपर अमाउंट लिया जाए जो हर एक कॉलेज का अलग अलग है। और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि किसी कॉलेज क्या मांग है। सर, हमारी ये मांग है कि हम लोग कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं आते, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम लोगों से इतना पैसा लिया जाए कि हम लोग उसको दे सके और हमारे पेरेंट्स को भी इतना हम लोग को बोझ ना लगे कि हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं है, अभी हम लोग अनएम्प्लॉय हैं। हमारे जो खर्चा करते हैं वो पेरेंट्स ही करते हैं। सर, परसों से एग्जाम है हमारे। क्या आई कार्ड मिले हैं आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिला है, हम लोग से बोला गया है कि कल आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। जो फीस ये बढ़ा के मांग रहे हैं, क्या उसकी रसीद दे रहे हैं? नहीं सर, हमें यूनिवर्सिटी फीस की कोई रसीद नहीं मिलती है। कोई रसीद नहीं देते? नहीं मिलती है। सेमेस्टर पूरे हो गए? सर, सेकंड चल रहा है हमारा, वन ईयर का सेकंड, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। वो सारी फीस जमा है आपकी? यस सर। एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है? सर, हमारे जब हम लोग कॉलेज में आए थे तो हमसे बोला गया था 5000 UGC का है, तो हम लोग ने सोचा था कि 3000 फर्स्ट ईयर देंगे, देन सेकेंड ईयर देंगे 2000। सर आप क्या बताइए, कोई कैंडिडेट जाएगा तो अपने टीचरों पे तो विश्वास करेगा ही कि नहीं करेगा? शासन से आप क्या मांग कर? सर, हमारी मांग यही है उनसे कि हमें एक प्रॉपर फीस ली जाए जो सभी स्कूलों में ली जाती है, और हमें उसकी रिसीट दी जाए जो हम अपने माँ बाप को दिखा सके। थैंक जी। ठीक है जी, तो पहले तो अटेंडेंस ही शॉर्ट का जो इशू है वो सोल्व हो जी। ठीक है, अब अगर अटेंडेंस शॉर्ट होगी, इन्होंने भी माना बच्चों ने भी कि हाँ यूनिवर्सिटी के नियम के मुताबिक 75% अटेंडेंस होनी चाहिए जी, तो वो तो बच्चों ने भी माना है। तो अगर जिनके अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है वो आगे की कार्रवाई करें तो इन्हें एडमिट कार्ड मिलेंगे। मैं कल फिर आऊँगा यहाँ। जैसा कि बच्चों के द्वारा बताया गया है कि जो निर्धारित शुल्क है उससे अतिरिक्त नहीं, नहीं, स्कूल प्रबंधक की तरफ से बोला गया कि ऐसा है जो मुझे, और उसमें उनको रसीद भी नहीं दी जा रही, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मुझे जो अभिलेख दिखाए गए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ और जो बच्चों ने बताया कि हमसे इसका इतना पैसा लिया गया, इतना ही प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो दो उभय पक्षों ने जो इस बात को स्वीकार कर लिया तो उसमें तो कोई भ्रांति का कोई बात ही नहीं। जो प्रोस्पेक्टस में है वही एक्सेप्टेबल है, वही एक्सेप्टेबल है। और नंबर दो, उन्होंने ये भी कहा है, और ये इनके सामने विकल्प है, कई बच्चों ने बैंक में सीधे पैसे जमा किए हैं जी हाँ। ठीक है, तो ये बैंक में पैसा जमा करें, भाई बैंक में पैसा जमा करेंगे तो रिसीट मिलेगी, रिसीट मिलेगी। कई बच्चों ने जो है जैसे रजिस्ट्रेशन के 3000 रुपये दिखाए हैं जी, तो उसकी रिसीट इनके पास थी। ठीक है, और कुछ अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।